हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली एनपीपी पर यूनिट लीप एरिया। ओके, जो भी एनपीपी प्रोडक्शन होता है प्लांट के लीप में, पर डे जो प्रोडक्शन होता है एनपीपी, उसके बारे में देखेंगे। पिछला क्लास में क्या देखे थे, एनपीपी प्रोडक्शन देखे थे, पर ईयर जो एनपीपी प्रोडक्शन हो रहा था वो देखे थे। उसका यूनिट क्या था, एनपीपी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम पर ईयर का यूनिट क्या था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर था, राइट। आज का जो डेली एनपीपी पर यूनिट एरिया है उसका जो यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे होगा, क्योंकि डेली एनपीपी पर यूनिट लीप एरिया है। तो देखते हैं कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, किस किस के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके बारे में देखते हैं, राइट। तो पहला है जो डेली एनपीपी प्रोडक्शन होता है पर यूनिट लीप एरिया में, वो डिपेंड करता है प्लांट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट साइज अगर बड़ा होगा तो एनपीपी प्रोडक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा, मीडियम होगा तो क्या होगा, लार्ज होगा तो क्या होगा, देखेंगे। तो प्लांट साइज कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। पिछले लेक्चर में भी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में बोला था, अगर आपने नहीं देखा होगा अभी तक तो जाके देख लेना। ओके, तो अगर ये लार्ज प्लांट है, ओके लार्ज प्लांट है, तो उसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, लार्ज प्लांट का सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है, एंड स्मॉल प्लांट का सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है। मीन्स स्मॉल प्लांट हैव लार्ज सरफेस एरिया, लिख देता हूँ, स्मॉल प्लांट हैव सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होता है, एंड लार्ज प्लांट का सरफेस एरिया कम होता है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना। तो इसमें स्मॉल प्लांट में क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है विथ रिलेटेड टू वॉल्यूम, फॉर एज इनकेस ऑफ लार्ज प्लांट सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। सो अगर स्मॉल प्लांट में सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है, पहले स्मॉल प्लांट के बारे में देखते हैं, अगर स्मॉल प्लांट में सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा सोचो। अगर स्मॉल प्लांट में सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है तो एनपीपी का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा होगा, क्योंकि उस एनपीपी के प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है तो जीपीपी ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एंड एनपीपी प्रोडक्शन ऑल्सो ज़्यादा होगा। अगर ये लार्ज प्लांट है तो उसका सरफेस एरिया कम है, फोटोसिंथेसिस के लिए जगह कम है, जो एरिया कम है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कम है, एंड फाइनली उसका एनपीपी प्रोडक्शन कम है पर डे। ओके, तो स्मॉल प्लांट में एनपीपी का प्रोडक्शन पर डे ज़्यादा होता है, एंड लार्ज प्लांट में एनपीपी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ओके, सेकेंड जो फैक्टर है क्या है, लीफ एरिया है। लीफ एरिया डिपेंड करता है जो डेली एनपीपी पर यूनिट लीफ एरिया जो बोलते हैं, लीफ एरिया भी डिपेंड करता है डेली एनपीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ये बड़ा लीफ है, ये छोटा लीफ है, राइट। तो बड़ा लीफ में सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कितना होगा, अगर बड़ा लीफ है तो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कम होगा, छोटा लीफ में सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगा। अगर सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो रहा है, सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो अगर कम हो रहा है तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, इसीलिए तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कम है। तो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो अगर स्मॉल लीप एरिया में, अगर स्मॉल लीप में अगर सरफेस एरिया सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो अगर ज़्यादा हो रहा है तो सरफेस एरिया इसका मतलब ज़्यादा है, राइट। तो जो लीफ है, लार्ज लीफ है, उसमें सरफेस एरिया बहुत कम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, फॉर एज स्मॉल लीफ में सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया कम है तो
जो फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया कम मिलेगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कम होगा एंड जीपी भी ऑल्सो कम होगा, फाइनली एनपीपी पी ऑल्सो कम होगा अगर लिप एरिया ज़्यादा होगा तो। अगर लिप एरिया कम है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, राइट। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा एरिया मिल रहा है तो उसको क्या होगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा एंड फाइनली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑल्सो ज़्यादा होगा। जो तीसरा फैक्टर है जो डेली एनपीपी पर यूनिट लिप एरिया को अफेक्ट करता है वो लिप लॉन्गिविटी है, ओके। तो लिप का लाइफ स्पान है जो डेली एनपीपी पर यूनिट लिप एरिया को अफेक्ट करता है। अगर लिप का लाइफ स्पान बढ़ रहा है तो जो डेली एनपीपी प्रोडक्शन है वो कम जाएगा, ओके। अगर लिप का लाइफ स्पान कम हो रहा है तो डेली एनपीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ओके। तो लिप लाइफ स्पान अगर बढ़ रहा है तो डेली एनपीपी कम जाएगा, अगर लिप का लाइफ स्पान कम रहा है तो डेली एनपीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइट। तो जो भी लिप का लाइफ स्पान है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनपीपी प्रोडक्शन के लिए। अगर एक प्लांट ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा तो पर डे उसको एनपीपी प्रोडक्शन कम करना चाहिए, राइट, क्योंकि देर तक उसको सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो उसका सर्वाइवल रेट कम है तो डेली एनपीपी प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होगा, राइट। तो जो फोर्थ फैक्टर है जो डेली एनपीपी पर यूनिट लीफ एरिया को इफेक्ट करता है वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में कौन कौन सी ऐसा इकोसिस्टम्स है जो डेली एनपीपी पर यूनिट एरिया को इफेक्ट करते हैं, वो है पहला क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, राइट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, फाइनली डेजर्ट है, राइट। टेम्परेट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। तो जो फाइव टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है उसमें से किसका एनपीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एंड किसका एनपीपी प्रोडक्शन कम होता है ये देखते हैं, राइट। चलो चलते हैं, जो इकोसिस्टम्स है उसका एनपीपी के बारे में जानेंगे, कहाँ पे कौन सी इकोसिस्टम में ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन हो रहा है एंड कौन सी इकोसिस्टम में बहुत कम एनपीपी प्रोडक्शन हो रहा है देखते हैं। तो सबसे कम प्रोडक्शन होता है टेम्परेट फॉरेस्ट पे, कहाँ पे होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट सबसे कम एनपीपी प्रोडक्शन, सबसे कम एनपीपी प्रोडक्शन टेम्परेट फॉरेस्ट में होता है और उससे थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे, टेम्परेट फॉरेस्ट से ज़्यादा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे थोड़ा ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन होता है एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एनपीपी प्रोडक्शन होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये क्या है, ये एनपीपी प्रोडक्शन क्या है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे है। तो पर डे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे सबसे कम होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में उससे ज़्यादा होता है एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कौन सा ज़्यादा होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड होता है,
ग्रासलैंड होता है, ओके। और टेम्परेट ग्रासलैंड से सबसे ज़्यादा एनपीवी प्रोडक्शन, डेली एनपीवी प्रोडक्शन पर यूनिट लीफ एरिया कहाँ पे होता है? डेजर्ट पे होता है। तो डेली एनपीवी पर यूनिट लीफ एरिया सबसे कम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, सॉरी, डेली एनपीपी पर यूनिट लीफ एरिया सबसे कम टेम्परेट फॉरेस्ट में होता है, और उससे ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पे, और उससे ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे, और उससे ज़्यादा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे, और उससे ज़्यादा होता है डेजर्ट पे। तो सबसे ज़्यादा डेली एनपीपी पर यूनिट लीफ एरिया डेजर्ट पे होता है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।